fine and doing well. Today I'm going to teach our topic, that is want. अच्छा want के इस्तेमाल क्यों करते हैं? आज इसको डिटेल में पढ़ते हैं want. यहाँ पर मैं want तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, want को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे. तो want सिर्फ want के इस्तेमाल ग्रामर में किस तरह है? जैसे कि whenever you are communicating with anyone, whenever you communicate with anyone, you meet with anyone, then you are just telling to someone about your need and your desires. अच्छा want we use for desire and need. Desire का मतलब होता है उसमें ख्वाहिश, यानी किसी भी चीज़ की आपको ख्वाहिश है, यार मुझे वो चाहिए, यार मुझे वो नया फोन चाहिए, यार मुझे उसी जो मैंने एक ड्रेस देखी थी ब्लैक, यार मुझे वो ब्लैक ड्रेस चाहिए. एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, सेकंड इसका लॉजिक का इफेक्ट क्या है यहाँ पर यूज किया है इसका, एक तो क्या डिजायर, दूसरा है नीड. नीड यानी कोई चीज़ की आपको जरूरत है, जैसे मैं कहूँगा यार मुझे एक और जॉब चाहिए, मुझे एक जॉब चाहिए, या मुझे पानी चाहिए, तो इस तरह की. तो वॉन्ट हम यूज करते हैं दो कंडीशन, एक हमारा हो गया डिजायर और दूसरा हो गया नीड. तो डिजायर और नीड, इसके अलावा यहाँ पर सेंटेंसेस हमारे तीन तरह के बनेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है. सबसे पहले अफर्मेटिव, देन नेगेटिव और इंटरोगेटिव. अफर्मेटिव किस तरह से बनेगा, सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, वैसे कि हमारा सब्जेक्ट सबको बेसिक पता होगा, सब्जेक्ट आई मीन द इनिशिएट या किसी का भी नाम रख सकते हैं. फिर आ गया यहाँ पर वॉन्ट, वॉन्ट खुद ही वर्ब पर काम करे, इसलिए यहाँ पर कोई वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि इनफैक्ट वर्ब आएगा ही नहीं, ये वर्ब यहाँ पर ऑलरेडी वॉन्ट के अंदर आ चुका है. देन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, नेगेटिव पे चले जाए तो सब्जेक्ट एंड डू नॉट, देन हम शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिखा डोंट और डजंट, क्योंकि आजकल शॉर्ट फॉर्म के इस्तेमाल बहुत ज्यादा है स्पेलिंग में. अगर आप लोग कह रहे हैं आई डू नॉट वांट, तो आपको कहना चाहिए कि आई डोंट वांट, तो शॉर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा यूजफुल है. सब्जेक्ट डोंट डजंट देन वांट और ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव अगर आपने बनाना है तो डू और डज पहले आ गया, सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट डज क्वेश्चन मार्क. अब यहां पर तीन सेंटेंसेस मैंने अलग अलग तरह के बनाए हुए, जैसे कि अफर्मेटिव यहां पर लिखा हुआ है कि आई वांट फोन, मुझे फोन चाहिए. अब ये मेरी जरूरत भी हो सकती है, जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा मुझे फोन चाहिए, मुझे यार यहाँ पर फोन की जरूरत है, तो आई वांट फोन, मुझे फोन चाहिए, आई वांट फोन, यहाँ पर मेरे नीड की बात हो रही है. लेकिन अगर इसी नीड को मैं डिजायर ले जाऊँ, डिजायर कैसे भी हो सकती है, मुझे ये फोन ही चाहिए, मुझे आई फोन चाहिए, आई वॉन्ट आई फोन, तो यहाँ पर ये मेरी क्या क्या आ गई, डिजायर. नेगेटिव एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ इसी की, तो ये कहते हैं मुझे आई फोन नहीं चाहिए, आई डोंट वांट आई फोन, आई जस्ट वांट नॉर्मल फोन, आई जस्ट वांट स्मार्ट फोन. अगला हो गया She doesn't want this copy. For example, उसे ये copy नहीं चाहिए. She doesn't want this copy. I don't want iPhone. I don't want calculator. Because my math is good. अगला हो गया. When you want to ask someone about their need and desire. Interrogative example है भाई. Do you want anything? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? Do you want anything? Do you really want anything? और इसके अलावा वैसे भी कहने का. For example, क्या इसे कुछ चाहिए? Does he want anything? किस तरह से यूज करना है तीनों एग्जाम्पल में बता दिए. इसके अलावा एक शायद नेक्स्ट वीडियो में बॉन्ड के अलावा बॉन्ड टू को भी डिस्कस करेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक